श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे थे। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए, और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली, और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और माँ लक्ष्मी का मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखती हुई तब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। पता ही नहीं चला उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया, और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक और फूलों का खेत था, और माँ लक्ष्मी को बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों से आंसू थे, और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह इस प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी, और माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर पर एक झोंपड़ा था, और मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी के 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस तरह तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दूंगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल वाला था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा खर्च भी बहुत ही मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मैंने गुजारा भी करना था। अगर तुम मेरी बेटी बन जाओ तो रूखा सूखा हम जो खाते हैं उसी में रहकर तुम आ सकती हो, मेरे घर रह सकती हो। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी, और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से भी शाम को एक गाय खरीद ली, और फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बन गया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए, और अब मकान भी बहुत ही बड़ा बना लिया था। माधव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। मेरी और सब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से
काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। वो लक्ष्मी माता की जय। माधव बोला, हाँ माम हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में ये गलती हो गई कि हमने आपको खेत में काम करवाया, बहुत बड़ा अपराध हो गया माँ, यह सब हमें माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे हो, दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कभी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे और जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में वैकुंठ को चली गई। बोल लक्ष्मी माता की जय। भगवान जैसे माँ लक्ष्मी ने उन पर कृपा करी, आप सभी पर भी कृपा करें। यह कहानी माँ लक्ष्मी का संदेशा है, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं कहती हैं माँ लक्ष्मी कि मैं वहीं निवास करती हूँ, और हमें सभी मानवताओं की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब और तुच्छ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और सबका प्यार पाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी।